पहले मैं तीन बारी ओम शांति कहती हूँ, तुम बताती हो मैं तीन बारी ओम शांति करती हूँ। अच्छा, एक ओम शांति, ओम शांति, दोबारा बोलो मीठे बाबा ओम शांति, फिर बोलो प्यारे बाबा ओम शांति। आप बहुत मीठे हो, प्यारे हो, तो कौन कहते हैं? मीठे बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं बाबा ओम शांति। बाबा कहते हाँ बच्चे ओम शांति, तो शिव बाबा कहता है ओम शांति, फिर ब्रह्मा भी कहता है ओम शांति, ब्रह्मा बाबा ओम शांति, कभी कभी मुरली में आता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा, अभी ये ओम शांति शिवाली की कैसे बताती है मुझे पता नहीं है, मैंने कभी टीवी खोल के देखती नहीं हूं ना, मैं टीवी देखती नहीं हूं ना, कभी अखबार पढ़ती नहीं हूं ना, इसमें बाबा की बातें सुनाएंगी ठहरो बहते हैं, रेडियो कभी सुनती नहीं हूं ना, वेबसाइट पर मुझे नहीं जानता है ना। अच्छा आप बताओ, बताओ बताओ, पांच सात मिनट है तेरे को। बोलो बोलो। ओम शांति। दादी जी ने हमारे पुण्य की कुमारी है, पता नहीं ये कहती, मैं शायद मैं तो समझती हूँ तो कुमारी हूँ ना, कुमारी हो ना, कुमारी है, कुमारी जैसे मैं कुमारी हूं ना मैं कुमारी हूं ना बस पता पता ओम शांति। दादी जी ने बहुत प्यार से कहा कि बाबा को पकड़ लिया है, पर हम तो समझते हम क्या बाबा को पकड़े, बाबा ने ही हमें पकड़ लिया है। अच्छा, हमारे में तो ना वो अकल तो ना वो ताकत जो हम बाबा को पकड़ सकते, तो बाबा ने ही विशेष जो ये सेवा का भी पाठ शुरू हुआ और चला और चल रहा है, तो उसमें विशेष यही अनुभव होता कि पहले भी जब भी कोई भी सेवा करते हैं या करते थे तो यही कहते थे और अनुभव भी करते थे कि बाबा ही कराता है, और हम कहते हम निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, बाबा करवा रहा है। लेकिन विशेष ये जो मीडिया की सेवा हुई तो इसमें तो निमित्त का भी भान नहीं आता कि निमित्त भी हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता फुल किसी ने ओवर पावर कर लिया है और हमारा रोल सिर्फ कुर्सी पर बैठने का है, और एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो बस उसको निमंत्रण कहें या रिक्वेस्ट कहें या प्लीड कहें कि प्लीज आ जाना, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो कुछ नहीं होगा, सारी सेवा रुक जाएगी। तो हर बार जब भी प्रोग्राम शूट करने बैठते तो विशेष ये अनुभव होता है कि बाबा टेक ओवर करता है, और कई बार सोच के कुछ और बैठते हैं लेकिन उसके बाद निकलता टोटली कुछ और है, और जो जो निकलता जाता फिर वो सीखते जाते हैं। तो पहले नहीं आता था, सुन सुन के खुद का ही फिर सुन कर उसी के नोट्स बना कर उससे ही फिर सीखते जाते, और जो शूट हुआ सुनते हैं तो फिर सुनते हुए लगता कि ये कब बोला था, ये कब निकला था, ये तो नहीं मालूम था कि ऐसा भी है। और सामने से जब मैं वो बहन को क्वेश्चन करते सुनती हूँ बाद में, शूट होने के बाद भी, तो वो शूट जब वो क्वेश्चन पूछती है तब भी मुझे आंसर नहीं आता जबकि वो आंसर ऑलरेडी शूट हो चुका है, और फिर खुद को ही देखती हूँ वो टीवी पर आंसर बोलते हुए, तो लगता अच्छा ये राइट आंसर, गुड आंसर है करके, लेकिन उस टाइम वो अवेयरनेस नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो ये बाबा की ही पूरी कमाल है, और बाबा ही करवा नहीं रहा है, बाबा ही कर रहा है, हम सिर्फ वहाँ बैठे हैं। और दादियों की दुआएं और सारे ब्राह्मण परिवार की शुभकामनाएं, ये सेवा घर घर तक पहुँच रही है, और जैसे करुणा भाई ने कल ही बताया कि अभी नया चैनल भी शुरू होगा, तो विशेष ये सेवा
और जो भी घर बचे हैं पूरे विश्व में वहां तक भी बाबा पहुंच ही जाएगा। और वंडर ये लगती कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं देखकर, तो बाबा सिर्फ सेवा जब हो रही है शूट हो रहा है वो ही नहीं करवा रहा, लेकिन कौन सी आत्मा को कब किस दिन कब ऑन करके टच करना है वो भी सारा जैसे कि कंट्रोल हो रहा है। और सभी ये कहते कि जिस दिन मेरी जो प्रॉब्लम थी और बाय चांस रिमोट ऐसे करते करते हम उस पर पहुंचे और उस दिन हमारी वही प्रॉब्लम का आंसर आया, तो ये तो बाबा की ही कमाल है, बाकी तो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस विशेष सेवा के लिए तो सिर्फ बाबा बाबा और सिर्फ बाबा। थैंक यू सो मच।